अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमर अली रिजवी साहब, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरी और वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज कराची चिड़ियाघर आए थे उड़ियाल को देखने के लिए और उसकी कुछ वीडियोस बनाने के लिए। तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा और ये कराची चिड़ियाघर के बारे में और उड़ियाल के लिए क्या करना चाह रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं। जी जी, मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आप लोगों का पैशन देख के, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं वो अपनी जॉब में तो बड़े बेजार नज़र आते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मंसूर साहब भी और आप लोग बहुत शौक़ से ही काम कर रहे हैं। और मेरा अपना भी इस बात पर यकीन है कि जब इंसान शौक़ से काम करता है तो उसका रिज़ल्ट, उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ और होती है। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया यहाँ पे, मुझे बड़ी हैरत हुई कि उड़ियाल के इन्होंने यहाँ पे एक कपल रखा हुआ है और उसने अभी रिसेंटली ब्रीड भी किया और हमें बच्चे भी देखे जो उड़ियाल के यहाँ पर। और मंसूर साहब ने जब मुझे ये बताया कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानवरों को ब्रीड करके दूसरे जूस को प्रोवाइड किया, तो उससे लगा कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट में इनको ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये बड़ा अच्छा है कि यहाँ से ब्रीड करके दूसरे जू और सफारी पार्क और दूसरी जगहों पे ये इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी सतह पे ख़ास तौर पे कराची ज़ू को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। अगर इनको अच्छी तरह से फैसिलिटेट करें तो शायद ये यहाँ से काफ़ी अच्छी ब्रीड वगैरह तैयार करके बाकी जूज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और लोगों के लिए भी एक अच्छी तफरी का ज़रिया बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू।